फ्रेंड्स, सीआरपीएफ की ओर से एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है, और ये जो नोटिस है वो एसएससी जीडी 2021 वाले जो एग्जाम हुआ था उसी को लेकर के है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस करके आया हुआ है, और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ये जो अपडेट है नोटिस है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी जानकारी के बताता हूँ कि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स थे जो कि जीडी वाले एग्जाम 2021 वाले पास किए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई एंड आरएमई इवेंट्स ऑफ जीडी एग्जामिनेशन 2021 इन सीएपीएफएस एसएसएफ एंड राइफल्स में जीडी इन असम राइफल्स फॉर क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन शेड्यूल्ड फ्रॉम 12/9/2022 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो जीडी वाले एग्जामिनेशन हुआ 2021 का, उनका जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यह होगा आप लोगों का 12 सितंबर से आगे डेट में आपका होगा। द ई एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डी एम ई स्टेज कैन बी डाउनलोड बाई शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द लिंक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है ये आप लोगों का है लिंक, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट विथ इफेक्ट फ्रॉम 2/9/2022, ऑल कैंडिडेट्स आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ डीवी एंड डीएमई। तो यहाँ पे साफ साफ कहना है यहाँ पर कि 2/9/2022 से आप लोगों को यह इफेक्ट में हो गया है, यानी कि आप लोग सीआरपीएफ वेबसाइट में ये लागू हो चुका है, तो आप लोग डायरेक्ट आप लोगों का प्रिंट आउट को लेकर के आना है ई एडमिट कार्ड का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप लोगों को मांगा जाएगा। यहाँ पर है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई विदाउट एडमिट कार्ड। तो यहाँ बिना एडमिट कार्ड के आप लोगों को यहाँ पे परमिशन दिया नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोगों के यहाँ साफ साफ लिखा गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस में एसएससी रिजल्ट राइट ऑफ फाइल नंबर दिया हुआ आप लोगों का, ये जो डेट है वो भी 12/8/2022 का है, और यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं डीआईजी रिक्वायरमेंट सीआरपीएफ 2/9/2022 को, तो यहाँ पर है। तो कुल मिला के आप लोगों को अगर देखना है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से आया हुआ है जो जीडी एग्जाम से 2021 हुआ था, उनका जो है शेड्यूल कर दिया गया है जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो होगा आपका 12 सितंबर से लेकर के आगे जो डेट रहेगा उस हिसाब से आएगा। और आप लोगों को जो है अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, ये आप लोगों को ये जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जा करके इस लिंक से डायरेक्ट अपना ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही अपडेट आया हुआ एसएससी और सीआरपीएफ की ओर से जो एसएससी जीटी वाले एग्जामिनेशन दिए थे 2021 वाले।